ओके okay, uh, ये सारे क्वेश्चंस में कवर करूंगा त्रिजा नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग के ब्लॉकचेन क्यों ओके okay? सो so, कोई मुझे बताएगा ब्लॉकचेन uh, चेन ही क्यों देखो एक ना बहुत फनी वर्ड है ब्लॉकचेन ओके सो बिटकॉइन से ब्लॉकचेन बना And blockchain से decentralized ecosystem बन के आ रहा है, अगर okay? so, अगर आप 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 पहले uh, as a blockchain developer बनना चाह रहे हो, तो कल को आप फोकस करो कि के, decentralized world के developer भी बनो। Now, ये सारी चीजें मैं आपको क्रिनोलॉजिकल uh, ऑर्डर में बताता हूँ क्या हुआ था 2008 में पहले ना थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं देन आई विल पिक योर क्वेश्चंस हमारे पास काफी टाइम है एक घंटा भी तो छह मिनट हुए सो so 2008 में बिटकॉइन नाम से ना एक प्रोडक्ट लॉन्च होता है एंड ये बिटकॉइन नाम से जो प्रोडक्ट लॉन्च होता है ये पर्टिकुलर बताता है कि हम विदाउट बैंक्स विदाउट बैंक्स हम कैसे बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं अपने कैसे हम अपने ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं एंड यहां पर कोई भी सेंट्रलाइज बॉडी एक सतोसी भैया करेक्ट का सतोसी भैया ने ये सब बताया था बट कॉन्सेप्ट ये था कि हम किसी भी कॉमन पर्सन को हम यहाँ पर पावर नहीं देने वाले हम किसी लोगों को पावर नहीं देंगे हम अपने पास ही पावर रखेंगे सो so, एक डेमोक्रेटिक वे में एक टेक्नोलॉजी आई जहां पे हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं विदाउट एनी बैंक्स ओके विदाउट एनी बैंक्स तो वो बिटकॉइन थी बिटकॉइन तो बन गया उसके अराउंड फिर इथीरियम बना लाइट कॉइन बना मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट सेम काइंड के इको बनने हुए तो इन सारे इको को हम बोलने लगे ब्लॉक क्या बोलने लगे ब्लॉक एंड मल्टीपल ब्लॉक बनने लगे ओके okay? जब मल्टीपल ब्लॉकचेन्स बनने लगी तो ब्लॉक का डेफिनेशन बोलता है कि एक ये decentralized, uh, decentralized है डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड ट्रांसपेरेंट है डिसेंट्राइज मतलब है कि उसकी कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है अगर मैं सेंट्रलाइज कर देता हूं उसे डिस्ट्रीब्यूटेड बना देता हूं और उसे ट्रांसपेरेंट भी रखता हूं तो क्या ये ब्लॉकचेन का पार्ट नहीं है नहीं ब्लॉकचेन का पार्ट नहीं है पर ये वाला जो पार्ट है ये डिसेंट्रलाइज इको का पार्ट है एंड जो मोस्टली जॉब्स मिलती है ना वो हमें इन दोनों में ही मिलती है ठीक है तो हम बात करेंगे ये सारा डिफरेंसेस कैसे क्रिएट होते हैं एंड हमें कहां से स्टार्ट करना होता है ठीक है